नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं प्रिंस कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार अपन फोटोशॉप में किसी भी फोटो का बैकग्राउंड बदल सकते हैं तथा किस प्रकार अपन फोटोशॉप को सेलेक्ट करते हैं और उसके बैकग्राउंड को डिलीट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन फोटोशॉप ओपन करेंगे और फोटोशॉप ओपन करने के बाद में आपको फोटो इंसर्ट करनी है जिस फोटो को आप एडिट करने वाले हो। तो कंट्रोल ओ ओपन करके यहाँ से अपन फोटो इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको जो भी फोटो में एडिटिंग करनी है उसके लिए आप कंट्रोल के साथ में प्लस प्रेस करोगे और फोटो को थोड़ी जूम करना है, क्योंकि आपकी फोटो जितनी ज़्यादा जूम होगी आपका सिलेक्शन उतना ही ज़्यादा क्लियर होने वाला है। फोटो जूम करने के बाद में अपन इसमें टूल बॉक्स में जो लासो टूल आ रहा है इसके माध्यम से अपन फोटो का बैकग्राउंड हटाने वाले हैं। तो लासो टूल में भी तीन ऑप्शन आते हैं, तीनों ऑप्शन का अपन यूज़ करके चेक करेंगे किस प्रकार अपन बैकग्राउंड हटा सकते हैं। तो देखो, लासो टूल में तीन ऑप्शन आते हैं, अपन यहाँ पे पॉलीगॉन लासो टूल का यूज़ करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो दो ऑप्शन और रह जाते हैं, जैसे एक तो लासो टूल और एक है मैग्नेटिक लासो टूल, इनका क्या यूज होता है। जो एक नंबर ऑप्शन आ रहा है लासो टूल, उसका तो यूज होता है कि आप जहाँ पे भी लेफ्ट क्लिक कर देते हो और उसके बाद में जहाँ पे भी लेफ्ट बटन को दबाए हुए या जहाँ पे भी आप माउस को लेके जाओगे उतना एरिया ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपने जो भी एरिया सिलेक्शन किया है उसको अनसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करना है। उसके बाद में आपको आना है यहाँ पे राइट क्लिक करके मैग्नेटिक टूल पे। मैग्नेटिक टूल का यूज होता है कि आपका बैकग्राउंड लगभग जैसे सेम होता है तो उस टाइम आपका सिलेक्शन अच्छा होता है। जैसे मान लो मैग्नेटिक लासो टूल अपन ने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे एक बार लेफ्ट बटन दबाना है। लेफ्ट बटन प्रेस करने के बाद में आप जहाँ पे भी माउस को लेके जाओगे तो उस जगह पे आपका जो भी बैकग्राउंड है उसको अलग कर देगा और फोटो को अलग कर देगा। लेकिन यहाँ पे देखो, कलर अगर मिक्स होता है तो वहां पे अपना सिलेक्शन अच्छी तरीके से नहीं होगा। तो इस वीडियो में अपन पॉलीगॉन लासो टूल का यूज करते हुए अपन फोटो को सेलेक्ट करेंगे। तो अपन ने जो भी फोटो सेलेक्ट किया उसको एक बार कंट्रोल डी प्रेस करके अनसेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे टूल बार में राइट क्लिक करना है और पॉलीगॉन लासो टूल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अपन यहाँ पे किसी भी एरिया से स्टार्ट करेंगे। एक बार अपन को लेफ्ट बटन दबाना है और इस प्रकार सेलेक्ट करते हुए अपन पूरी फोटो को सेलेक्ट करेंगे। बस ध्यान आपको ये रखना है कि फोटो ज़्यादा बाहर की साइड से सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपना वाइट एरिया आ जाता है तो उसमें अपना बैकग्राउंड आसानी से सेलेक्ट नहीं होगा। और कोई भी फोटो को सेलेक्ट करते समय गलती हो जाती है तो अपन बैक स्पेस या डिलीट प्रेस करके उस सिलेक्शन को हटा सकते हैं। और एक जगह आपका माउस पॉइंटर ज़्यादा देर तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपन एक जगह माउस पॉइंटर को रोक देते हैं या कहीं पर भी डबल क्लिक हो जाता है तो अपना ऑटोमेटिक वो जितना भी एरिया सेलेक्ट हुआ है उतना एरिया सेलेक्ट हो जाएगा और बाकी का रह जाएगा। अगर आपको फोटो को ऊपर लेके जाना है तो स्पेस प्रेस करना है और इस प्रकार अपन ऊपर भी ला सकते हैं। अगर आपको नीचे लाना है तो स्पेस के साथ में नीचे भी ला सकते हैं। तो इस प्रकार अपन एक बार फोटो को सेलेक्ट करेंगे। थोड़ी सी स्पीड से अपन फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में अपन आगे नेक्स्ट देखने वाले हैं। उसके बाद में अपन पूरी फोटो को सेलेक्ट करने के बाद में वापस कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे और फोटो को जूम कम कर लेंगे। उसके बाद में अभी तक अपन ने फोटो सेलेक्ट की है और फोटो सेलेक्ट करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फिदर है वो 3 या 4 या 5 पिक्सल का होना चाहिए। लगभग इतना ही फिदर अपन रखेंगे इसमें। और उसके बाद में यहाँ पे जो बैकग्राउंड लेयर दिखाई दे रही है उसकी अपन डुप्लीकेट लेयर करेंगे। तो डुप्लीकेट करने के लिए या तो कंट्रोल जे प्रेस करना है या यहाँ पे राइट क्लिक करके अपन डुप्लीकेट लेयर कर सकते हैं। तो अपन कंट्रोल जे प्रेस करते हैं और जैसे ही कंट्रोल जे करेंगे तो यहाँ पे देखो लेयर फेस्ट नाम से अपनी एक लेयर अलग से आ चुकी है। तो अपन बैकग्राउंड लेयर को या तो यहाँ से हाइड कर देते हैं या बैकग्राउंड लेयर का कोई यूज़ नहीं है तो इसको आप यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो। एक बार के लिए अपन इस लेयर को अपन यहाँ से हाइड कर देते हैं। हाइड करने के बाद में देखो आपकी जो भी फोटो है वो सेलेक्ट की थी वो तो रह गई और उसके अलावा जो बैकग्राउंड में एरिया है वो अपना ट्रांसपेरेंट हो गया। तो आप उसमें कोई भी कलर डाल सकते हो। कलर आपको बैकग्राउंड में डालना है तो यहाँ पे पहले तो एक न्यू लेयर इंसर्ट करनी है। न्यू लेयर जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो लेयर 2 नाम से एक लेयर इंसर्ट हो गई और जो भी लेयर ऊपर आ रही है उसको एक बार नीचे लेके आना है, क्योंकि ऊपर वाली लेयर पे अपन कलर डालेंगे तो फोटो के ऊपर कलर आ जाएगा। अपन को बैकग्राउंड में डालना है तो लेयर 2 को लेयर 1 के नीचे लेके आएंगे और उसके बाद में लेयर 1 पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर डालने के लिए यहाँ पे टूल बॉक्स में आके राइट क्लिक करना है और यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद में पेंट टूल सेलेक्ट करना है और यहाँ से कोई सा भी अपन कलर सेलेक्ट करके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो कलर आप सेलेक्ट करोगे वही कलर यहाँ पे इंसर्ट होगा। अगर आपको सेम कलर नहीं डालना है तो अपन एक बार कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं और यहाँ पे जो कलर का ब्रश लिया था उसी पे राइट क्लिक करना है
और यहाँ पे ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट करना है। जैसे आप ग्रेडियंट कलर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अलग अलग डिजाइन आ जाएगी। जैसे यहाँ पे दो कलर आ रहे हैं, दोनों कलर सेलेक्ट करने हैं और उसके बाद में यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट करनी है कि आप कलर किस प्रकार फिल करना चाहते हो। और उसके बाद में यहाँ पे आपको माउस से ड्रैग करना है। जैसे आप ड्रैग करोगे तो यहाँ पे देखो जो भी बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट हो उस पर अलग अलग प्रकार का कलर इंसर्ट हो जाएगा। आप चाहते हो कि ये कलर नहीं होना चाहिए तो आप कंट्रोल जेड प्रेस करोगे, यहाँ से स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। स्टाइल चेंज करने के बाद में भी कलर फिल कर सकते हो। इस स्टाइल में देखो इस प्रकार का कलर हो रहा है। आप चाहते हो कि स्टाइल तो यही रहनी चाहिए लेकिन आपका कलर है वो दूसरा होना चाहिए, तो अपन यहाँ से देखो दूसरा कलर सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लो एक कलर अपन रेड कर देते हैं और दूसरा कलर अपन यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे कलर ऑटोमेटिक चेंज हो गया, तो उसके लिए आपने जो भी कलर फिल किया है उसको एक बार हटाना है, तो अपन कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे ग्रेडियंट कलर को सिलेक्ट करेंगे, कौन सी स्टाइल में कलर डालना है वो सिलेक्ट करेंगे और ऐसे ड्रैग करेंगे। जैसे अपन ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे देखो बैकग्राउंड में दो कलर एक साथ में मिक्स होके आ गई। अपन चाहते हैं कि स्टाइल चेंज करनी है तो अपन वापस कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे, यहाँ से स्टाइल चेंज करेंगे और इस प्रकार अपन कलर फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ग्रेडियंट कलर डालना है या सेम कलर अगर बैकग्राउंड में डालना है तब तो आप इस प्रकार डाल सकते हो। आप चाहते हो कि आपने जो भी फोटो इंसर्ट किए उसके बैकग्राउंड में कोई अच्छी सी फोटो अपन लगाए तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे एक बार के लिए और उसके बाद में जो लेयर टू आ रही है उस पर क्लिक करना है सबसे पहले। तो उसके लिए अपन ने जो भी फोटो सेलेक्ट करके उसको एक बार मैक्सिमाइज कर देते हैं और यहाँ पे कोई भी फोटो इंसर्ट कर लेते हैं जो फोटो अपन बैकग्राउंड में लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो अपन ने दो तीन फोटो इंसर्ट कर रखी है, कौन सा कलर आप डालना चाहते हो वो फोटो अपन यहाँ से सेलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ये फोटो इंसर्ट करनी है तो अपन यहाँ पे देखो जो मूव टूल आता है उस पर क्लिक करना है। मूव टूल पे क्लिक करने के बाद में आपको सेलेक्ट करना है ये फोटो वहाँ पे इंसर्ट करनी है जिस लेयर पे आप कलर ले जाना चाहते हो। अब देखो जो फोटो अपन ने इंसर्ट की थी वो फोटो यहाँ पे बैकग्राउंड में फिल हो गई। अब आपको वापस मैक्सिमाइज करना है और यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करना है। जैसे कंट्रोल टी प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो जो भी आपकी फोटो उसको साइज सेट करने का ऑप्शन आ जाएगी आपके पास में, तो यहाँ से किसी भी कोने से ड्रैग करना है। इस प्रकार अपन यहाँ से देखो इस साइड से भी साइज अपन कम ज़्यादा कर सकते हैं, नीचे से आपको कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से भी अपन देखो इस प्रकार कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहते हो कि फोटो को जूम करके लगाना है अपन को तो इस प्रकार अपन जूम करके भी लगा सकते हैं। अपन अलग अलग स्टाइल में इसके बैकग्राउंड में फोटो को रख सकते हैं। अपन कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखो फोटो की जो फुल साइज है वो शो हो रही है। तो दोस्तों इस प्रकार भी आप बैकग्राउंड में कोई भी फोटो इंसर्ट कर सकते हो। आप कोई दूसरा बैकग्राउंड लगाना चाहते हो तो तरीका वही है, यहाँ पे जो बैकग्राउंड लगाया है उसको अपन वापस हटाएंगे। हटाने के लिए आपको कंट्रोल जेड प्रेस करना है और उसके बाद में जो फोटो आपको लगानी है वो फोटो अपन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे अब की बार ये फोटो अपन बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं तो इसको अपन मैक्सिमाइज करेंगे, मूव टूल पे आएंगे। मूव टूल पे क्लिक करने के बाद में आपको फोटो को ड्रैग करके यहाँ पे लाना है। यहाँ पे फोटो इंसर्ट करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो फोटो सेलेक्ट करके है वो लेयर ऊपर होनी चाहिए अपनी पिक्चर से, क्योंकि अपनी पिक्चर की फोटो वो लेयर ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो अपनी पिक्चर वाली लेयर है वो नीचे आ रही है और जो मेन पिक्चर है वो लेयर फर्स्ट है वो ऊपर आ रही है, तो इसी प्रकार आपकी लेयर होनी चाहिए। वापस आपको मैक्सिमाइज करना है, कंट्रोल टी प्रेस करना है और यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार अपन किसी भी फोटो के बैकग्राउंड में अपन दूसरा कलर भी डाल सकते हैं, आप ग्रेडियंट कलर भी डाल सकते हो और कोई दूसरी फोटो भी लगा सकते हो। तो दोस्तों आज तो अपन ने यहाँ पे देखो लासो टूल के माध्यम से अपनी फोटो को सेलेक्ट किया था और बैकग्राउंड को डिलीट किया था, लेकिन इसमें एक एडवांस टूल भी आता है जिसको अपन यहाँ से पेन टूल बोलते हैं, लेकिन वो थोड़ा एडवांस लेवल का टूल है। तो दोस्तों इस प्रकार के और भी वीडियो आप देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर